स्टॉक फंडा, स्टॉक फंडा में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़रूरी न्यूज़। ज़रूरी न्यूज़ ये है कि ये जो लिस्ट ऑफ शेयर्स है, इसमें तकरीबन 200 शेयर्स हैं जो कि एएसएम लिस्ट में कैटेगरी में 4 में आए हैं, 3 में आए हैं, 2 में आए, 1 में आए, और कुछ शेयर जो हैं एएसएम लिस्ट से बाहर निकल गए हैं, और कुछ ऐसे शेयर हैं जिनकी नई एंट्री हुई है एएसएम लिस्ट में। एएसएम का मतलब होता है एडिशनल सर्वाइलेंस मेजर। ऐसे वाले शेयर्स पे सेबी की नज़र रहती है, और जो शेयर एएसएम लिस्ट से बाहर आ जाते हैं उन शेयर्स में मूवमेंट अच्छी होती है, उन शेयर्स में ऊपर जाने के चांस अच्छे होते हैं, और जो शेयर्स एएसएम लिस्ट में आ जाते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, उन शेयर्स में ट्रेडिंग बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, और कैश मार्जिन 100% मार्जिन देना पड़ता है उसमें, और उसमें जो है आप कैरी ओवर नहीं कर सकते इसमें आप। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी न्यूज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितनी बड़ी लिस्ट है ये, जो 25 तारीख से शेयर्स एएसएम लिस्ट में इन और आउट हो जाएंगे अगर आपके पास वो शेयर्स हैं। ये कुछ शेयर्स मैंने डाले हैं इसमें, और इसके अलावा भी तकरीबन बहुत सारे शेयर्स हैं। तो आप बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम चलते हैं लिस्ट पे, कौन कौन से शेयर्स हैं पा रहे हैं इसमें। ऊपर वाली कैटेगरी जो है, सबसे पहली कैटेगरी है, इसमें क्या है, 25 तारीख से, ये देखिए डेट, इसमें आप 25 तारीख से ये वाले शेयर्स जो हैं एएसएम कैटेगरी में आ जाएंगे। कौन से शेयर्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो शेयर्स हैं, कैपिटल ट्रस्ट इंडिया लिमिटेड, शक्ति शुगर, ओमेक्स ऑटोज, लेक्सस लेक्सस ग्रेंटो इंडिया लिमिटेड, और टीएफएल ट्रांस वारंटी फाइनेंस लिमिटेड। ये वाले शेयर्स लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आ गए हैं, अभी स्टेज वन पे हैं, और इसके बाद हम देखेंगे। इसके बाद ये शेयर्स हैं जो वन से टू कैटेगरी चले गए हैं, इसका है सीएल एडुकेयर लिमिटेड। और उसके बाद कौन सा शेयर है, इसके बाद हम देखते हैं कैटेगरी फोर से कैटेगरी थ्री में। देखिए कैटेगरी फोर से कैटेगरी थ्री में आए हैं, कैटेगरी फोर से कैटेगरी थ्री में कौन से शेयर्स आए हैं, ये है जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड, और ट्राइडेंट। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आप। अब ये जो शेयर्स हैं, कैटेगरी चेंज हुई है इनकी, जेएसडब्ल्यू, गोकुल और ट्राइडेंट की, ये चेंज हुई है कैटेगरी फोर से कैटेगरी थ्री में। क्या आपको पता है ये ट्राइडेंट वगैरह अभी इतनी मूवमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये एएसएम लिस्ट में है, एएसएम लिस्ट फोर में थे, अभी थ्री में है, थ्री से टू में जाएंगे, टू से वन में जाएंगे। इसको जाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा, तब तक इनमें इतनी मूवमेंट नहीं होगी, और जब तक एएसएम लिस्ट से बाहर नहीं आएंगे तब तक इसमें मूवमेंट नहीं होगी, और ये अपने हाई को नहीं तोड़ेंगे। तो ये जो शेयर्स हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो भी शेयर्स आप लेते हैं या बेचते हैं, बेचने के पहले और लेने के पहले आप देखना चाहिए वो शेयर एएसएम लिस्ट में है कि नहीं है। और इसके बाद देखेंगे कैटेगरी थ्री से कैटेगरी टू में ये दो शेयर्स हैं, ये कैडिस लिमिटेड है, गुलशन गुलशन पोलियोल्स लिमिटेड है। उसके बाद जो शेयर्स हैं ये आपको दिखाता हूँ मैं, कैटेगरी फोर टू से कैटेगरी वन में आए, कैटेगरी टू से कैटेगरी वन में कौन से शेयर्स हैं, ये है टोक्यो प्लास्ट, टोक्यो प्लास्ट, इसके बाद रिलायंस कैपिटल, शिवा मिल्स, इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट, मोक्स ऑर्नामेंटल्स, मिटकॉन कंसल्टेंसी, ओमकार स्पेशलिटी केमिकल, बीपीएल लिमिटेड, और उसके बाद आकाश इंफ्रा प्रोजेक्ट। अगर आपके पास वाले शेयर्स हैं तो इनकी कैटेगरी टू से वन में आई है, मतलब इसको तकरीबन 20 से 25 दिन लगेंगे, ये कैटेगरी वन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कौन सा वाले शेयर्स हैं, इसके बाद देखते हैं कौन सी लिस्ट आई है जो 25 तारीख को। ये जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एएसएम कैटेगरी 25 तारीख, ये बहुत अच्छी खबर है। अगर आपके पास ये वाले शेयर्स हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त खबर है, ये वाले शेयर्स जो हैं अभी एएसएम लिस्ट से बाहर आ गए हैं। कौन से हैं ये पहला आप देख रहे हैं, टीजीबी बैंकर, उसके बाद विजय स्टील्स, उसके बाद हिल्टन मेटल, उसके बाद वालचंद्रा इंडस्ट्री लिमिटेड, ये सब शेयर्स ये सब लिस्ट से बाहर आ गया। अब इसमें मूवमेंट होगी, अच्छी मूवमेंट होगी, अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। अंसर प्रॉपर्टीज़, आरचीज लिमिटेड, सिंपलेक्स इंफ्रा, मुराजी टेक्सटाइल, बाइक हॉस्पिटलिटी, पीएनसी, रविंद्रा हेज कैपिटल सर्विस लिमिटेड, सेतुबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, फ्लेक्सी टर्फ, खेतान लिमिटेड, एक्सल रियल्टी, बीएजी फिल्म्स, अकाली मेटल्स, टीसीआई डेवलपमेंट, टीसीआई फाइनेंस, मुक्ता आर्ट्स के बाद आगे अभी ऑरम प्रॉप, पनाचे डिजाइन, ब्रांड कंसेप्ट, ऑटो इंडिया, ऑटो लाइन इंडस्ट्री लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस हिसार, जेएसएल हिसार, जेएसएल हिसार भी अच्छा शेयर है, टीडी पावर, सारेगामा अच्छा शेयर है, कैल्टन टेक्नोलॉजी, कैल्टन मेरे पास भी है, अगर आप लेना चाहें तो कैल्टन टेक्नोलॉजी अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए डेब्ट फ्री कंपनी है, और कैल्टन में अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी इसका प्राइस काफ़ी नीचे है,
कैल्टन दोस्तों देखिए, ये कैल्टन टेक्नोलॉजी है, ये मल्टीपैकर बन सकता है फ्यूचर में। उसके बाद देखते हैं सिनर्जी ग्रीन, उसके बाद त्रिजरा सॉल्यूशन, उसके बाद वर्धमान एक्रेलिक, उसके बाद अल्फा लेबोरेटरीज, उसके बाद एमबीए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद पेंटा गोल्ड, उसके बाद अम्जुबो ए एन एम जम्बो बैग्स लिमिटेड, उसके बाद कॉन्टिनेंटल सीड्स, उसके बाद शिवम ऑटो, उसके बाद एस सी एल इंसेस, उसके बाद प्रैक्सिस प्रैक्सिस होम, उसके बाद है ओरिएंटल प्रेस, ओरिएंट प्रेस लिमिटेड, उसके बाद है सेंटर कॉमेंट लिमिटेड, उसके बाद है अदानी टोटल गैस। अदानी टोटल गैस में प्राइस मूवमेंट नहीं थी, अभी इसमें प्राइस मूवमेंट होगी, ये सब लिस्ट से बाहर आ गया है। हिक्कल लिमिटेड भी अच्छा शेयर है, इसमें भी प्राइस मूवमेंट होगी क्योंकि ये एएसएल से बाहर आ गया है। अभी देखते हैं इसमें नेक्स्ट कौन से शेयर्स हैं जिसमें कोई मूवमेंट हुई है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको आने वाली जो न्यूज़ आपके डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में मिलती रहेगी। अभी ये लिस्ट ऑफ शेयर्स है, अगर आप देखना चाहें तो ये आप ये देख भी सकते हैं। ये जो लिस्ट है इसमें तकरीबन कितने शेयर हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑलरेडी जो है एएसएल लिस्ट में काफ़ी टाइम से 167 टोटल शेयर्स हैं। ये जो शेयर्स में कैटेगरी चेंज होती है 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 में, ये सारे शेयर्स जो इसमें आते हैं, लेकिन जो मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ ये वो हैं शेयर्स जो कि इनकी कैटेगरी चेंज हुई है, ठीक है। और इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर आपने ये न्यूज़ नहीं सुनी तो आपके लिए बहुत ही भयानक, दर्दनाक, खतरनाक हो सकती है अगर आपने ये वाले शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये शेयर्स हैं, मैं आपको बता दूँ इसमें क्या लिखा है, आप देखें ध्यान से, क्योंकि आप शेयर्स लेते हैं, अपना पैसा खर्चा करते हैं, आपका पैसा फ्री का नहीं है, मेहनत का पैसा है। इसको लेने के लिए, लेने से पहले आपको देखना चाहिए कि कौन से शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप मल्टीपल के सोच के सस्ते सस्ते वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बाद में फंस जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से। तो ये वाले शेयर्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्या लिखा है। लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्टेड एएसएम कंपनीज रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया। ये वाले शेयर्स वो हैं जो कि कंपनी दिवालिया हो गई हैं, कंपनी के पास पैसा नहीं चलाने के लिए, तो सेबी के पास एक कंपनी आई है, मतलब ये दिवालिया हो गई हैं, इनको दूसरी कोई कंपनी खरीद सकती है जिनके शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शेयर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसमें है, पहला है हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL, उसके बाद है CCCL कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम, उसके बाद है इंडो सोलर मुझे पता है काफ़ी लोगों के पास होगा, उसके बाद है राज रियोन इंडस्ट्री लिमिटेड, ये भी काफ़ी लोगों के पास होगा, SCL मैन्युफैक्चरिंग, ये भी होगा सबके पास, BKM इंडस्ट्रीज, ऑर्चिड फार्मा, पुंज लॉयड, उज्जास एनर्जी तो तकरीबन काफ़ी नए जो इन्वेस्टर हैं उनके पास डेफिनेटली होगा ना उज्जास एनर्जी, अगर नहीं होगा तो काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, वाइसरी होटल्स, उसके बाद है राधव माधव कॉरपोरेशन, उसके बाद एडिकॉम, CNC, स्पेंटेक्स, बैट्रॉनिक्स, उसके बाद तंतिया कंस्ट्रक्शन, नागार्जुन फर्टिलाइजर, ये सारे शेयर्स हैं जो कि दिवालिया होने के कगार पे हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कभी भी ये शेयर मार्केट से आउट हो सकते हैं, ऑलरेडी ये बर्बाद हो चुके हैं, हो सकता है कि कोई कंपनी, बड़ी कंपनी इसको खरीदे, अगर वो खरीदेगी तो इसमें आपके थोड़े पैसे बन सकते हैं, लेकिन अपने पैसे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बर्बाद हो चुकी हैं। आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए जो अच्छी कंपनी है, जिनका ग्रोथ अच्छा है, जिनका क्वार्टरली प्रोग्रेस है, सस्ते वाले शेयर में भी देख के इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।